गाइस हाय, इट्स मी आश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे बालों पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वन मंथ मेरे ख्याल से क्रॉस हो चुके हैं। नहीं, वन मंथ क्रॉस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ नियर वन मंथ होने वाले हैं। और अभी तक मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है कि मेरे बाल पे किस तरीके के इफेक्ट हो रहे हैं, मेरे बाल पे किस तरीके का असर हो रहे हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे बाल कितने टूट रहे हैं, कितने बच रहे हैं, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में, और क्या हेयर स्ट्रेटनिंग सच में अच्छा होता है, ये सब मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए गई थी, मेरे बाल उस टाइम बहुत ज़्यादा रफ थे, बहुत ज़्यादा ड्राई थे और बहुत ही ज़्यादा बेजान थे। मुझे लगता था कि मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे बाल सिल्की सॉफ्ट शाइनी हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ है। और वीडियो में जिस तरीके से मैं प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जो Lakme सैलून का पूरा एक्सपीरियंस था, उसमें आप लोग स्टार्टिंग में मेरे हेयर देख सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा रफ लग रहा था। बट मुझे लगा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सही है, मेरे बाल बिल्कुल भी रफ नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद तब मुझे पता चला कि मेरे बाल रफ है। ओके, तो वो सारा ट्रीटमेंट तो वहाँ पे हो गया। अगर आप लोग Lakme सैलून का एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो आप लोग को लगेगा, अगर आप लोग को भी अपने हेयर में किसी तरीके की ट्रीटमेंट लेनी है तो। और तब अब हम लोग चलते हैं अब के बारे में कि हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद, चलो ठीक है हेयर स्ट्रेटनिंग तो करा लिए, दो तीन दिन तक तो बाल सही रहते हैं, उसके बाद फिर बालों में किस तरीके के असर आते हैं, क्या हम लोग बन बना सकते हैं, क्या हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, क्या हम लोग पोनी कर सकते हैं, क्या हम लोग अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि बाल कितना ज़्यादा हमारा टूटता है हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद। तो गाइज वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किस तरीके की शैम्पू, किस तरीके की कंडीशनर और किस तरीके से अपने हेयर का केयर कर रहे हो। अब ऑब्वियस ही बात है, हेयर स्ट्रेटनिंग में अगर आप लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो आपको अपने हेयर केयर में भी थोड़ा सा अमाउंट लगाना होगा, थोड़ा सा अमाउंट देना होगा। वरना अगर आप लोग स्ट्रेटनिंग में पैसे लगा लिए लेकिन आप लोग पैसे अपने हेयर केयर में नहीं दे पा रहे हो, हेयर केयर में नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद जैसे नॉर्मल डे पर हम लोग अपने हेयर का केयर करते हैं ना, उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा बाद में अपने हेयर का केयर करना पड़ता है स्ट्रेटनिंग के बाद, तभी जाकर के आपके बाल टूटेंगे नहीं, आपके बाल बेजान नहीं होने चाहिए, आपके बाल में हमेशा नरिशमेंट होना चाहिए। अगर आपके बाल में हमेशा नरिशमेंट नहीं होता है तो वो ड्राई होकर के टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हेयर केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ, शैम्पू से पहले मैं हमेशा अपने बाल में एलोवेरा जेल ज़रूर से यूज़ करती हूँ। बाहर मार्केट का मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप लोग को घर का एलोवेरा जेल सूट करता है आपके बालों पर तो आप लोग घर के ही एलोवेरा जेल प्लांट वाले, प्लांट का जो एलोवेरा लीफ होता है उसमें से लेकर एलोवेरा जेल को लेकर के एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने पूरे पूरे बाल में लगा लो। 30 मिनट तक अपने बालों में उसी तरीके से छोड़ दो, फिर 30 मिनट के बाद चाहो तो नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बाल गंदा नहीं है, आपके बाल में तेल नहीं लगे हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बालों में एलोवेरा जेल लगा करके नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो, आपको शैम्पू का कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बाल में तेल लगे हुए हैं, आपके बाल को शैम्पू किए हुए ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो फिर आपको शैम्पू करना मस्ट है। शैम्पू किस तरीके के आप लोग यूज़ करोगे वो भी देख लेना। जब आप लोग हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए या फिर किसी भी तरीके के हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो वो लोग खुद आपको शैम्पू देते हैं, शैम्पू कंडीशनर मास्क, ये तीन चीज़ वो लोग आपको देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करना होता है। तो वो तीन चीज़ आपको लेना होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर हेयर दे विल गिव यू दैट प्रोडक्ट, कि आपके बालों के अकॉर्डिंग क्या सूट कर रहा है, तो इसलिए आपको वो प्रोडक्ट लेना होगा। लेकिन बहुत बार ये होता है कि वो भी प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करता है, आफ्टर 3-4 यूजेस हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या हमारे बाल पर वो चीज़ सूट कर रहा है या नहीं। अगर सूट नहीं कर रहा है देन स्टॉप यूजिंग दैट, एकदम उसी टाइम पर आप लोग उसको स्टॉप कर दो, वरना आपके बाल पर और भी गंदा वाला इफेक्ट दिखाएगा। तो जिस तरीके से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, एलोवेरा जेल मैं मोस्टली यही ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले चीज़ों को ही मैं अपने बालों पर यूज़ कर सकूँ, बहुत ज़्यादा केमिकल, बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल का यूज़ नहीं करूँ। क्योंकि ऑलरेडी जब हेयर स्ट्रेटनिंग होता है तो आपके हेयर में बहुत हार्ड क्रीम का अप्लाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा आयनिंग किया जाता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका बाल बहुत कुछ झेल चुका है। तो अब आपको सॉफ्ट, जो भी सॉफ्ट फॉर्मूला लो उस चीज़ का आपके बालों को ज़रूरत होता है, तो आप ट्राई करो कि आप अपने बालों में सॉफ्ट फॉर्मूला ही यूज़ कर सको। उसके बाद एक और मेन चीज़, शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर कर लेना। अगर आप लोग नॉर्मल पानी से अपने बाल को वॉश करते हो तो वो डिपेंड करता है कि वॉश से पहले आपने अपने बालों में क्या लगाया है। अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो या फिर किसी भी तरीके के अच्छा वाले मास्क लगाते हो अपने बालों में,
तो आपको किसी तरीके की कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बाल को बहुत अच्छे से सॉफ्ट, बहुत अच्छे से नरिश्ड कर देता है। लेकिन अगर आप लोग शैम्पू करते हो तो शैम्पू क्या होता है कि बालों में से थोड़ा सा ना नरिशमेंट खींच देता है, वो डस्ट के साथ साथ नरिशमेंट को भी हटा देता है। इसलिए हमारे बालों को सॉफ्ट और अच्छा स्मूथ रखने के लिए कंडीशनर बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आप लोग कंडीशनिंग नहीं करते तो आपके बाल टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंडीशनर जरूर से यूज करना, जो कंडीशनर आपके बालों पे सूट करता है उसे जरूर से यूज करना। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर बहुत ज्यादा मस्ट है। अपने बालों पर बाद में देखना कि जब आप लोग हेयर स्ट्रेटनिंग कराए हो उसके बाद अपने बाल में बहुत ज्यादा आयनिंग का यूज नहीं करो। लाइक बहुत लोग क्या होते हैं कि स्ट्रेटनिंग के बाद ही कुछ दिन के बाद ही हेयर कलरिंग पे चल जाते हैं, हेयर हाइलाइटिंग पे चल जाते हैं, हेयर को अपने आप से बहुत सारे स्टाइल देने लगते हैं लाइक हेयर कर्लिंग, हेयर क्रिम्पिंग और ना जाने किस किस तरीके के। तो उससे आपके बाल और भी ज्यादा बेजान और भी ज्यादा रूखे और भी ज्यादा टूटने लगेंगे। तो इसीलिए उस वक्त आप लोग ट्राई करना, कम से कम 2-3 मंथ तक आप अपने बाल पर इस तरीके की कोई भी ट्रीटमेंट मत देना। लाइक हेयर कलरिंग हो गए, हेयर पे किसी भी तरीके कोई भी हीट मत देना अपने बालों पर। स्पा के लिए भी आपको बोलते हैं तो वो भी 3 मंथ के बाद ही बोलते हैं। आप 3 मंथ के बाद आकर के स्पा कंटिन्यू लेते रहिएगा तो उससे आपके बाल जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। बट अगर मेरे बाल में खुद अपने घरेलू नुस्खों से, होम रेमेडीज से अगर मैं अपने बालों को सॉफ्ट रख पाती हूँ तो फिर मुझे स्पा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्पा इसीलिए होता है कि वो आपके बाल में जान ला सके और आपके बाल में प्रोटीन्स डाल सके, आपके बालों को अच्छा नरिश्ड कर सके। जब वो चीज़ मैं खुद घर पे कर सकती हूँ तो फिर मुझे स्पा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबका यही होता है कि क्या हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद हम अपने बालों में चोटी बना सकते हैं या फिर अपने बालों में बन बना सकते हैं या फिर अपने बालों को किसी हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कर सकते हो। आप लोग पोनी बनाओ, बन बनाओ, ब्रेड बनाओ, कुछ भी बनाओ। रात में सोने से पहले अपने बालों को बांध करके ही सोना चाहिए। अगर आप लोग ओपन करके सोते हो तो उससे बाल और भी ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने हेयर को गूथ करके ही सो, ब्रेड बना करके ही सो। तो इसके लिए मुझे तो रात में बाल को गूंथना ही होता है और रोज का रोज तो मैं शैम्पू कर नहीं सकती हूँ अपने हेयर में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सोने के बाद जब मैं सुबह में उठती हूँ तो बाल में थोड़े थोड़े से जिस तरीके से ब्रेड बनाए रहते हो उस तरीके से मुड़ जाता है बाल, बस हल्का सा लाइनिंग आ जाता है, मुड़ता नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैं कुछ देर तक अपने बाल को खोल के रखती हूँ, शैम्पू नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी वाटर फॉर्मूला यूज नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल खोल के 2-3 बार कंघी कर लेती हूँ तो बाल मेरा फिर से स्ट्रेट हो जाता है, फिर से सीधा हो जाता है। तो अगर आप लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बाद किसी भी तरीके का कुछ भी अगर अपने हेयर में स्टाइलिंग करते हो तो फिर जब भी आप लोग हेयर को वॉश करोगे आपके बाल पहले जैसे हो जाएंगे, पहले जैसे इन द सेंस कि आपके हेयर फिर से स्ट्रेट ही हो जाएंगे अगर आपने परमानेंट स्ट्रेट कराया है तो। टाइम टू टाइम आप लोग को ट्राई करना चाहिए कि आप लोग होम रेमेडीज से बने हुए हेयर मास्क को अपने बालों में लगा सको। लाइक कभी बनाना हो गया, कभी कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स किया हुआ वाइटामिन ई का ऑयल हो गया, उसके बाद फिर कभी कभी कोकोनट ऑयल में से जो वो व्हाइट वाला फॉर्मूला निकलता है उसको निकाल करके उसको क्रश करके, इन सभी बहुत सारे बनानाज मास्क हो गए और अनियन मास्क हो गए होम रेमेडीज से बनाया हुआ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए मास्क का आप अपने बालों में इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों पर बहुत ज़्यादा आपके बाल डैमेज नहीं होगा और आपके बाल पर एक अच्छा असर भी दिखाएगा। तो इसलिए ट्राई करना कि बहुत हार्ड केमिकल से बच सको आप लोग और थोड़ा सा घर का ही फॉर्मूला यूज़ कर सको जिसकी वजह से आपके बाल पर बहुत ज़्यादा गंदा वाला इफेक्ट नहीं पड़े और आपके बाल सही हो सके। मेरे बाल में वॉल्यूम कम था, मैं पहले भी ये बात आप लोग बता चुकी हूँ कि मेरे बाल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था लेकिन लेंथ था। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, मैं अभी सोच रही थी कि नीचे से अपने हेयर को कट करवा लूँगी लेकिन नहीं, मुझे अब लगता है कि नहीं, कट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कट कराना ही होता तो स्ट्रेटनिंग से पहले मैं करवाती तो वो ज़्यादा सही होता, बट जब अब मैं स्ट्रेटनिंग करा ली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल ऐसे कैसे। अभी मैं कौन सा शैम्पू कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ तो वो जो मैं पहले यूज़ करती थी वही कर रही हूँ। जो मैं ली थी वहाँ से वो मुझे सूट नहीं किया, 2-3 बार में अप्लाई करने के बाद मुझे सूट नहीं किया तो उसके बाद फिर मैं जो पहले यूज़ करती थी वही यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जस्ट मेरे बाल पर बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया उसके बाद फिर से मेरे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो इसीलिए जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वही मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ और देखते हैं कब तक मेरे बाल सही रहते हैं। अभी तो खैर हेयर फॉल नहीं हो रहा है, जितना मुझे हेयर फॉल पहले होता था उतना ही हेयर फॉल हो रहा है। स्ट्रेटनिंग के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं तो थोड़ा सा जो ब्रेकेज होते हैं, बाल जो टूटते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो बाल जितना पहले टूटते थे उससे और भी ज़्यादा टूटने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने बालों की अच्छे से केयर कर सको। नाइट टाइम में सोने से पहले मस्ट है कि आप ब्रेड बना लेना, अगर आप ब्रेड नहीं बनाते तो आपके बाल में बहुत गंदा वाला इफेक्ट पड़ेगा।
ये सारे कुछ टिप्स थे और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा रहा है कि हाँ, मुझे स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्ट्रेटनिंग के बाद आपके बालों के पूरे एक पूरी तरीके से लुक चेंज हो जाता है। मेरा फेस को उतना लुक चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरे पहले भी बाल सेमी स्ट्रेट ही थे, लाइक इधर से ऊपर से तो मेरे बाल स्ट्रेट ही थे, बस नीचे का जो पोर्शन है हेयर का वो थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट नहीं था, तो इसलिए मेरे फेस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जिसके बाल ऑलमोस्ट फुल्ली कर्ल होते हैं ना, वो अगर स्ट्रेटनिंग करा दो तो उनके पूरे पूरे फेस का लुक चेंज हो जाता है। तो हाँ, सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप लोग देखना चाहते हो ये जरूर से बताना। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियोज में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।